नमस्कार दोस्तों, ये है यूएसबी वाला रेडियो। तो आज इसके कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। इसके सभी वायर हटा दिए हैं क्योंकि इसमें चूहा वायर को काट गया था, इसलिए इसके सभी वायर हटा दिए हैं। इसमें सभी वायर नए लगाएंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे चार्जिंग वाले पॉइंट की। इसमें दोस्तों दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो इससे पहले इसमें जो चार्जिंग पिन लगी हुई थी वो लगी थी नोकिया की मोटी वाली पिन। अब इसमें लगाइए एलजी 3500 की पिन। तो इसमें प्लस और माइनस कहाँ कहाँ होते हैं वो भी बताते हैं दोस्तों। तो ये वाली पिन कुछ इस टाइम पर ज़्यादा चल रही है, इसलिए यही वाली पिन लगाई हुई है, क्योंकि ये ज़्यादातर मोबाइल में लग जाती है। इसमें ये वाला सिरा है वो होता है प्लस, और ये वाला सिरा है वो होता है माइनस का। तो इसी तरह से कनेक्शन करेंगे। और पहले इसमें इंडिकेटर भी नहीं लगा हुआ था, इसलिए इसमें इंडिकेटर भी लगाएंगे। तो इस तरह से मार्कर से चिन्ह बना लेंगे, इधर प्लस का सिरा और इधर माइनस का सिरा। इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इधर लिख देते हैं प्लस और माइनस। तो चलिए अब इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो इसमें इस तरफ भी लिख देते हैं प्लस और इस तरफ माइनस। तो सबसे पहले इसमें एक लगाएंगे डायोड, ये देखिए 4007 नंबर का डायोड। इसमें ये प्लस का सिरा, ये माइनस का सिरा। तो इस माइनस वाले सिरे को लगाएंगे प्लस वाले सिरे की ओर, क्योंकि जिस तरफ पट्टी बनी होती है वो प्लस का सिरा होता है। तो जिस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई है उस सिरे को लगाएंगे प्लस वाले सिरे की ओर। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा करके इसको आयरन की मदद से इस तरीके से सोल्ड कर दिया है। तो डायोड की जिस तरफ पट्टी नहीं बनी थी उस हिस्से को इसमें लगाया, तो पट्टी वाला हिस्सा लगाएंगे सेल वाली पत्ती के ऊपर, जहां पर सेल का प्लस का सिरा लगाया हुआ होता है वहां पर इसको सोल्ड कर देना है, क्योंकि ये प्लस का सिरा होता है सेल का। एक इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे बनके की, जिसका कलर है कत्थई काली लाल। उसके बाद में एक इंडिकेटर सबसे छोटा, ये सबसे छोटा इंडिकेटर है। इसमें इस तरह आप देखकर पहचान सकते हैं, ये वाला सिरा होता है माइनस का और ये वाला सिरा होता है प्लस का। तो इसके प्लस वाले सिरे में, इस वाले सिरे में लगा देना है रेजिस्टेंस, बनके की जो रेजिस्टेंस ली हुई है इस सिरे में इस तरह से उमेट लेना है। तो इस तरीके से इसको उमेट लिया है, देखिए इसको प्लस वाले इस सिरे में ही लगाया हुआ है। ऊपर भाग को देखकर आप समझ जाएंगे, ये वाला प्लस का सिरा होता है जो पतला होता है, ये वाला मोटा सिरा होता है वो माइनस का होता है। उसके बाद में जिस सिरे में रेजिस्टेंस उमेटी हुई उसमें थोड़ा पेस्ट लगा लेना है, उसके बाद इसको सोल्ड कर देना है। उसके बाद में कटर की मदद से इसको इस तरह से काट देना है। तो आयरन से इंडिकेटर के लिए इस तरह से होल कर लिया है जिससे इंडिकेटर इसमें लगाया जा सके। उसके बाद में इसमें प्लस का सिरा प्लस में लगा देना है, माइनस का सिरा माइनस में लगा देना है, क्योंकि रेजिस्टेंस लगाई थी वो प्लस का सिरा था, इसलिए उसको प्लस में लगाएंगे और इस वाले सिरे को माइनस में लगा दिया दूसरे सिरे को। तो रेजिस्टेंस वाला प्लस का सिरा इसको डायोड के नीचे जहाँ पर पट्टी नहीं बनी हुई है उसी के ऊपर इस तरह से इसको उमेट दिया। उसके बाद में इसको सोल्ड कर देंगे आयरन की मदद से। तो इस तरीके से बारी बारी से दोनों सिरों को सोल्ड कर लेना है। प्लस और माइनस दोनों सिरे सोल्ड हो गए हैं। उसके बाद में चार्जर लगाकर इसको चेक कर लेते हैं कि इंडिकेटर जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो चार्जर को बिजली में लगा दिया है, उसके बाद में इसकी पिन जैसे ही लगाई, देखिए इंडिकेटर है वो सही जलने लगा है, ये बिल्कुल सही काम करने लगा है। उसके बाद में एक काले रंग का वायर लगा दिया है, देखिए चार्जिंग के कनेक्टर में और लगा करके सेल के कनेक्टर में। उसके बाद में दो वायर और लेने हैं, एक पीले रंग का एक नारंगी कलर का वायर लिया हुआ है, इसको लगाएंगे स्पीकर में। तो बारी बारी से स्पीकर में दोनों वायरों को सोल्ड कर लेना है। इस तरीके से दोनों वायर सोल्ड हो गए हैं। उसके बाद में इसको इस तरह से निकाल लेना है। अब इसको लगाएंगे, एक वायर इसका लगाएंगे ग्राउंड में। तो देखिए इसकी प्लेट में जो दो इसकी पिने हैं ये वाली, और दो इस तरह से जो नीचे पिने हैं, ये सभी पिने हैं वो ग्राउंड हैं। ये जहाँ भी ट्रैक फैली हुई है वो ग्राउंड है। तो इसको ग्राउंड में कहीं भी इसको सोल्ड कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। उसके बाद में जो पीला वायर बचा हुआ है उसको लगाएंगे इसकी तीसरी पिन में। देखिए आईसी की 16-19 आईसी है, उसकी जो तीसरी पिन है यहाँ से यहाँ ट्रैक आई, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, और इसके कैपेसिटर की जो एक पिन निकल कर आई है उसी पिन के ऊपर इसको सोल्ड कर देना है। तो इसको भी इस तरह से सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से स्पीकर के कनेक्शन हो गए हैं। उसके बाद में एक काले रंग का वायर और लेना है इस तरीके का। अब इसको लगाएंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम के जो ऊपर वाली पिन में एक वायर लगा करके इसको सोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया। उसके बाद में इसके दूसरे छोर को सेल की जो स्प्रिंग होती है उसी के ऊपर इस तरह से सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में दो काले रंग के वायर और लेने हैं और इसको इस तरह से उमेट लेना है, एक छोटा वायर और एक बड़ा वायर। उसके बाद में वॉल्यूम का जो दूसरा सिरा बचा हुआ है उसी के ऊपर इस तरह से उसको सोल्ड कर लेना है दूसरे सिरे में। तो इस तरह से इसको भी सोल्ड कर लिया है।
उसके बाद में जो छोटा वायर है, ये वाला वायर है, इसको लगाएंगे वॉल्यूम के इस वाली पिन में, तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में जो दूसरा काला रंग का वायर बचा हुआ है, इसको लगाएंगे ग्राउंड में। देखिए यहाँ पर लगा देना उसी वायर के ऊपर जहाँ पर ग्राउंड का स्पीकर का वायर लगाया हुआ था लाल रंग का, उसी के ऊपर इस काले रंग के वायर को भी सोल्ड कर देना है। उसके बाद में एक सफ़ेद रंग का वायर लिया हुआ है, तो इसको लगाएंगे वॉल्यूम के बीच वाली पिन में, सोल्ड कर लेना इस वायर को। उसके बाद में इस छोर को लगाएंगे 16-19 IC के 6 नंबर पिन में। देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की पिन में एक ये लगा हुआ है 1 से 4 नंबर का पेपर कैपेसिटर, तो उसके इस वाली पिन में इसको सोल्ड कर देना है। तो इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में एक लाल वायर को और जोड़ लेना है, जो कि डायोड के प्लस के सिरे में जोड़ दिया है, और दूसरा सिरा 16-19 IC के 4वें नंबर पिन पर इसको सोल्ड कर दिया है। उसके बाद में एक सफ़ेद रंग के वायर को और लेना है, और इस वायर को लगाएंगे वॉल्यूम के 3रे नंबर के पिन पर, इसको सोल्ड कर देना है। इस तरीके से इस वायर को सोल्ड कर लिया। उसके बाद में इसका जो दूसरा सिरा, इसको लगाएंगे जो बेंड लगा हुआ है उसके बीच वाली पिन पर, इसको सोल्ड कर देना है। उसके बाद में एक लाल रंग के वायर को और लेना है इस तरीके से, इसको लगाएंगे बेंड के बीच वाली पिन में दूसरी साइड में, इस तरीका से सोल्ड कर लेना है। उसके बाद में इस वायर को लगाएंगे जो प्लस का सिरा है, ये देखिए जो प्लस का सिरा है लाल रंग का, इसी वायर के ऊपर इस वायर को सोल्ड कर देना है। मतलब 4वें नंबर की IC की पिन पर ये लगा हुआ है वायर, उसी के ऊपर इस वायर को सोल्ड कर देना है। उसके बाद में जो कनेक्शन करेंगे वो करेंगे बैंड के हिसाब से। देखिए इस तरफ है रेडियो और इस तरफ है USB, तो इसी हिसाब से वहाँ के कनेक्शन करेंगे। तो बैंड में 2 वायर पहले से ही लगा चुके हैं, ये ऑडियो का वायर है और ये +5 वोल्टेज का। उसके बाद में एक पीले रंग का वायर और लेना है इस तरीके का, इसको लगाएंगे +5 वोल्ट का जो वायर लगा हुआ है लाल रंग का, उसके दूसरी वाली पिन में, इस वाली पिन में इस वायर को सोल्ड कर लेना है। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से इस वायर को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इस वायर को लगाएंगे जो ब्लूटूथ पैनल है उसके प्लस वाले सिरे में। तो सबसे पहले इसके दोनों जो स्क्रू हैं उसको खोल लेते हैं। इस तरीके से दोनों स्क्रू को खोल लिया है। देखिए अब इसके प्लस के सिरे में इस वायर को लगाना है। ये वाला प्लस का सिरा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ, ये लाल जो सॉकेट लगा हुआ है इसके जस्ट ऊपर, ये प्लस का सिरा है और ये ग्राउंड का है, मतलब +5 वोल्टेज और ग्राउंड के इसमें वायर लगेंगे। उसके बाद में जो पीले रंग का वायर है +5 वोल्टेज का, तो इसको +5 वोल्टेज में सोल्ड कर लेना है पैनल में। उसके बाद में एक वायर और लेना है, जैसे कि मैंने सफ़ेद रंग का लिया हुआ है, इसको लगाएंगे ग्राउंड वाली पिन में, मतलब +5 वोल्टेज के बगल वाली जो पिन है वो ग्राउंड की है। तो इस तरह से इस वायर में इसको सोल्ड कर लेना है। उसके बाद में इस वायर को लगाएंगे ग्राउंड में, जो कि स्पीकर में ग्राउंड का वायर लगा हुआ है, जो लाल रंग का है वायर ग्राउंड में लगा हुआ है, तो इसी लाल रंग के वायर के ऊपर इस सफ़ेद रंग के वायर को सोल्ड कर देना है, क्योंकि ये सीधा जो प्लेट में लगा हुआ है बोर्ड में वो ग्राउंड में लगा हुआ है। तो इस तरह से उस वायर के ऊपर इस वायर को सोल्ड कर लिया है, ग्राउंड वाले वायर को। उसके बाद में जो 3 पिन का सॉकेट है इसमें लगा लेते हैं। 4 पिन का है इसका, एक वायर है वो FM का है, जो लाल वायर उसको काट देंगे, क्योंकि इसमें FM की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रेडियो में खुद ही FM होता है। उसके बाद में इसको अलग कर लेंगे इस तरीके से। जो बीच वाला है वो होता है ग्राउंड, और लेफ्ट राइट के हैं वो होते हैं आउटपुट के। तो इस बीच वाली वायर को ग्राउंड में सोल्ड कर लेना, मतलब ये मेमोरी का जो सॉकेट है तो इसी के ऊपर इसको सोल्ड कर लेना, क्योंकि ये ग्राउंड है इसमें आता रहता है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी सोल्ड कर सकते हैं, या फिर जो +5 वोल्टेज की बगल वाली वायर है सफ़ेद रंग की लगाई थी उसके ऊपर भी सोल्ड कर सकते हैं, मतलब ग्राउंड में इस वायर को लगाना है। उसके बाद में जो लेफ्ट राइट के वायर हैं इनको लगाना है, तो इन दोनों वायरों को इकट्ठा कर लेंगे और उसमें एक वायर और लगा लेंगे, क्योंकि ये दोनों वायर हैं वो छोटे हैं। तो ये सफ़ेद रंग की वायर ली हुई है, वो वायर इन्हीं दोनों वायरों में उमेट लेना है, मतलब दोनों वायर आउटपुट के और एक और अलग से, मतलब ये तीनों वायरों को इस तरह से उमेट लेना है। उसके बाद में इसको कर लेना है सोल्ड इस तरीके से। उसके बाद में इसमें लगा देंगे थोड़ा सा टेप, जिससे कि ये कहीं भी वायर टच ना हो। उसके बाद में इस वायर को लगाएंगे बेंड की इस वाली पिन पर, तो आयरन की मदद से इसको भी सोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में एक वायर और लेना है, जैसा कि मैंने एक सफ़ेद रंग का वायर लिया है, और इसको लगाएंगे जो बोर्ड है उसके इस वाली पिन में, क्योंकि ये है रेडियो के लिए, अगर रेडियो बजाना चाहें तो इसी वायर से इस रेडियो को बजाएंगे। तो इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसको लगाएंगे बेंड में, ये दोस्तों बेंड है इसकी, इस वाली पिन में इस वायर को सोल्ड कर लेना है।
तो इस तरीके से इस वायर को सोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से सभी वायर सोल्ड हो गए हैं। अब सिर्फ दो वायर बचे हुए हैं, वो हैं बैटरी के। तो दोस्तों ये है 4 वोल्टेज की बैटरी, यही बैटरी इसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले दो वायर इसमें लगा लेते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो ये दो वायर लिए हुए हैं, एक हरे रंग का एक लाल रंग का। लाल वाला प्लस में लगाएंगे, हरा वाला माइनस में लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों वायरों को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इन दोनों वायरों को लगाएंगे जहां पर सेल टच होते थे, प्लस का सिरा प्लस में और माइनस का सिरा माइनस में। तो प्लस के सिरे को इस तरह से लाल वायर सोल्ड कर लिया, माइनस के सिरे को इस तरह से हरा वायर सोल्ड कर दिया है। तो दोनों वायर सोल्ड हो गए हैं। तो चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए अभी इसमें करंट नहीं आया है, अभी भी कुछ कमी है। जब इसमें करंट आएगा तो इसका जो ब्लूटूथ पैनल है वो जल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बैंड को टच करके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रखा हुआ रेडियो है। हाँ, इसका ये ब्रांड है वो बैंड ख़राब हो गया है, इसीलिए इसमें करंट नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट करेंगे, बाद में इस बैंड को इसमें नया बैंड लगा देंगे। अगर ब्लूटूथ से बजाना आए तो इस बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ब्लूटूथ से नहीं बजाना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। इसका जो 5 वोल्टेज है वो इस कार्ड में नहीं पहुँच रहा है, ब्लूटूथ जो पैनल है उसमें 5 वोल्टेज नहीं पहुँच रहे हैं, इसीलिए ये नहीं जल रहा है। तो इस तरीके से इसको डायरेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब इसमें मेमोरी लगा करके दिखाते हैं दोस्तों, ये मेमोरी। तो इस तरीके से इसने मेमोरी लगा दी है, लेकिन ये प्ले नहीं हो रही है हमारी समझ में। इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो डाउन है, इसीलिए ये प्ले नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें चार्जर लगा देते हैं, जिससे कि इसमें करंट है वो पूरा जाए। तो इस तरीके से इसमें चार्जर लगा दिया है। अब देखते हैं मेमोरी को लगा करके, फिर से मेमोरी लगाते हैं। देखिए अब की बार ये प्ले हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप रेडियो के कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।